स्टूडेंट्स इथियोपिया माता की खिदमत में हाजिर आया। अज अस इंटीटेस के हवा से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 जो काफ़ी शुभ बुधाए छोड़ा है, उम्मीद है उनकी ऐसी करें अगर थोड़ा सारा संपाण कर सकूँ। चैप्टर नंबर 3 तमाम अहम चैप्टर है, इनमें काफ़ी सारी शुभ। चैप्टर नंबर 3 जो अज अस पेरों इंटीटेस स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब का पहले ही है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मकसद है अड़ी इक्वेशन जो हाईएस्ट पावर या जी डिग्री 2 हो जे। सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेमा क्वाड्रेटिक फार्मूलो ड्राइव थोड़ा जो बराबर है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द रेडिकल साइन 2 ए प्लस माइनस है माना इनमें ब वैल्यू आई। जो प्लस वाली वैल्यू है वह अल्फा के बराबर होंगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वह बीटा के बराबर होंगी है। जडे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अल्फा बीटा इन इक्वेशन का रूट्स हैं तो उनकी प्लस वाली वैल्यू अल्फा के बराबर थी, माइनस वाली वैल्यू बीटा के बराबर थी। ये शुरू अस चैप्टर में अगत काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर में कमी हुई। अचो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने जा टे बेसिक मेन फंक्शंस आए। सब का पेरों है फैक्टराइजेशन मेथड, उन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उन फॉर्मूला मेथड। पर असा के मतलब एम सी क्यूज सीखना है तेरे करे एम सी क्यूज में जो तमाम घणो यूज थो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जैमें मिडिल टर्म ब्रेक कर जवाब आसानी से सॉल्व कर सकूँ था। नो तो फैक्टराइजेशन मेथड के सॉल्व कर सकूँ। डे स्टूडेंट ही है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे भी असा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल होंगी है तो अस उनके फैक्टर कड़ा फैक्टर के कड़ा उन मिडिल टर्म ब्रेक कदा। अक्सर वो स्टूडेंट के तरफा एक गाल बुधी है तो सर मिडिल टर्म ब्रेक असा नो समझ में अचे कि क्यों इनको कोई अड़ो तरीको बुधा जो आसान तरीको हो असें खबर पड़ी सके तो हम कड़ा कड़ा टर्म्स असा मिडिल टर्म थी साइन कड़ो करूँ इनमें ढी तकलीफ थी बार में। सो यो तुम समझने की पुट कोशिश कर मिडिल टर्म करने का सब का पे फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनकी मल्टीप्लिकेशन से सजो डिपेंड करे तो हाँ तो फर्स्ट टर्म असो एक्स स्क्वायर है लास्ट टर्म असो सिक्स है। अब थोड़ा इनके टाइम वह समझने का आसानी से इनमें प्रॉब्लम जल्द में जल्द कर सकूँ था। एक्स स्क्वायर के जैसे अस मल्टीप्लाई प्लस सिक्स से कराइंदी असा जवाब मिल प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। हाँ ये वेरिएबल आने तुझे घट पो बाकी कोएफिशिएंट है वह मिलो है असा प्लस सिक्स प्लस जो जैसे जवाब मिले तो अस हाँ तवजह दींदी मिडिल टर्म से पुटा मिडिल टर्म है माइनस साइन जो असो मल्टीप्लिकेशन आंसर मिलो है प्लस जो तो इन में साफ जाहिर है तो जी अस ब टर्म खड़ी इनके ब्रेक कर मेल उन अस प्लस कराइंदी छो तो ब्रेक जैसे भी मिडिल टर्म के कदा तो उनको जवाब असि बई अचन घुर्जन यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो असा ही जवाब अचे प्लस या माइनस कर तो वापस असा मिडिल टर्म अचे। हाँ यहाँ खबर तीन पैजी तो यो जो मिडिल टर्म कराइंदी जी अस टर्म मिलता उई पा में प्लस कराना या उई पा में माइनस कराना वो सो तबर पी जैसे असो एंसर प्लस में मिलो है तो अस खबर पी वही तो हम बई टर्म जो भी निकलता उ पा में प्लस कर प्लस करने जो रूल है प्लस में जैसे बैंक एक जड़ी होंद तदह प्लस माना बई नंबर प्लस जहाँ तदह प्लस जहाँ बई नंबर माइनस जहाँ हूँ तदह प्लस जहाँ। हाँ वो वो ऐसी मिडिल टर्म से मिडिल टर्म के साइन है माइनस अस नंबर करना प्लस करना माना जे नंबर में खड़ी उ बई माइनस साइन जहाँ खड़ी। फॉर एग्जाम्पल ये अस माइनस जो मिले हाँ तो माना असके नंबर खड़ना होजन उ माइनस कराना होजन तो माइनस तदह नंबर जैसे एक नंबर प्लस जो होंद माइनस जो होंगे। हाँ फिलहाल ये एग्जाम्पल समझू वो माइनस जो एग्जाम्पल समझा हाँ अस नंबर खड़ना प्लस जहाँ पर मल्टीप्लाई कराने अचे सिक्स अचे हाँ उ नंबर है टू एक है थ्री असर खबर पी हाँ अस सेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ तुम चेक कर दिसो जैसे अस मल्टीप्लाई कराइंदी तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू थ्री का सिक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि सिक्स एक्स स्क्वायर मिले तो वो जैसे इनके अस सम कराइंदी तो तुम तो बी साइन माइनस जो एक जड़ियों यानी कि बई प्लस माइनस साइन टू बई थ्री माइनस सा गई फाइव थी मिडिल टर्म ब्रेक अस सही है। हाँ जी मिडिल टर्म ब्रेक करने का चार टर्म मिला
बिन टर्म में अलग सा कॉमन करना सी बिन टर्म में अलग सा कॉमन करना सी इन मान के दो x बाकी बचो x माइनस 2 इन मान के दो माइनस 3 तो x तो साबु ही रहयो और ये माइनस अंदर जरूर मल्टीप्लाई थी माइनस इनटू प्लस माइनस 3 टेबल 16 2 टाइम्स लगी इज इक्वल टू 0 हाने या शे हमेशा पंजे ज़हन में लगाए चलो तो मिडिल टर्म करने का पो जगह ता कॉमन कडो ही जगह ब्रैकेट ये हमेशा सेम ही नथियो अचन त ता किथे न किथे मिस्टेक कई जा मुकर और ब्रैकेट सेम आया या ब्रैकेट सिंगल टाइम रखना थी बाकी जे के बन नंबर बचा ओए अलग बी ब्रैकेट में रखी इज इक्वल 0 लगाईदा थी ठीक जा फैक्टराइजेशन असा के वैल्यू गने है x जी यानी कि x 2 जो को पेरो ब्रैकेट आ उने के अलग सा 0 जे बराबर रखना थी x 3 के अलग सा 0 जे बराबर रखना थी हिन मा असा के x जी वैल्यू मिली 2 तो माइनस जो हेडाई तो प्लस जो थिंदो और हिन मा असा के x जी वैल्यू मिलनी 3 तो सॉल्यूशन सेट जने असा के चांदो वो ठंदो x is equal to 2,3 MCQ जे हिसाब सा जे में भी 2,3 हुंदो ओई असा जो राइट आंसर हुंदो डियर स्टूडेंट हाने एकडो सम लिखियो आ जे में माइनस आ रहा हाने इन में x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 is equal to 0 आ हाने तार समझन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जने सा मल्टीप्लाई किया इन सच में आयो माइनस में आयो हाने हिते असा के अंदाजो लगियो त जने ही माइनस में मिलियो आ माना मिडिल टर्म जने बसा खणदा सी ओ बई टर्म पाण में माइनस करना पदा माइनस करण ला जारे एको टर्म असा के प्लस एको टर्म असा के माइनस जो खणो पदो हाने उते जके बन नंबर हुंदो उन के जारे हर नंबर जने मथा खणदा हो एको वडो एको नंडो हुंदो त वडो नंबर के साइन जो खणो इते अक्सर स्टूडेंट बुझी पदा वो असा छा कंदा सी असा चेक कंदा सी मिडिल टर्म जी साइन के जेका साइन मिडिल टर्म जी हुंदी वडो टर्म असा उने साइन जो खणदा सी हाणे हिन जी माइनस आ त वडो टर्म आ 6 ऐं नंढो टर्म आ 1 त 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 ईंदो 6 मां 1 वियो बाकी 5 बचंदो हाणे जॾहिं असां खे चारि टर्म मिली विया त हिन चइनि टर्मनि मां ॿिनि मां अलॻि सां कॉमन हिन ॿिनि मां अलॻि सां कॉमन कढियो हिन मां कॉमन निकितो x बाकी हिते बचो x माइनस 6 हिन मां कुझु बि नथो निकिरे त 1 हमेशह उहो नंबर आहे जेको सभिनी खे मल्टीप्लाई करे सघे थो हिन मां 1 कॉमन निकितो हिते बचो x हिते साॻियो ई माइनस 6 बचो हाणे हीअ जेका इक्वेशन ठही इन में x माइनस 6 ॾिसो हिकु जहिड़ा मिली विया नंबर हाणे x माइनस 6 असां अलॻि सां कढी आयासीं बाकी हिते बचो x हिते बचो 1 उहो अलॻि सां ब्रेकेट में रखियोसीं इज इक्वल 0 हाणे ॿिन्ही खे अलॻि अलॻि 0 ॾिनोसीं x माइनस 6 खे 0 जे बराबरि वठी उन मां x जी वैल्यू निकिती 6 x प्लस 1 के 0 जे बराबर निकले उने मां x जी वैल्यू निकिती माइनस 1 सॉल्यूशन सेट के जोसी असा के जवाब मिलो 6 कामा माइनस 1 डियर स्टूडेंट अजो के इन लेक्चर में मु ताके समझायो त मिडिल टर्म ब्रेक किए थी जे उने जो साइन के चेक कजन प्लस जा के ना कर जन माइनस जा के ना कर जन उम्मीद आहे त तव्हां हिन लेक्चर खे बार बार ॾिसी करे मिडिल टर्म ब्रेक हमेशह जे लाइ सम्झी ईंदो छो त हीअ शइ जॾहिं तव्हां सिखंदो त कहिड़ी बि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जंहिंजा जेको फैक्टराइजेशन थी सघंदी उन के आसानी से तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सको था उन आसानी से जवाब कर सको था इन गिर पड़ हो तो ये शे अगते टॉपिक में भी कम होती पर मिडिल टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी सारा टॉपिक्स हैं ही तो है फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर और वाइड फार्मूला के हिसाब से इक्वेशन के सॉल्व कर उन का पो असा जो इंदो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिखता सी 4/4 रूट ऑफ यूनिटी इंदो नेचर ऑफ द रूट्स इंदा इने जा जेके भी इक्वेशन जा टाइप्स आए उन सभी के सीखने की कोशिश करना सी तवा कोशिश कजो मां ता के समझाया तो किथे दा समझ में नहीं आयो बार बार वीडियो के कंप्लीट दिसो ऐ अन्या समझ में नहीं आयो उसा कांटेक्ट कर सको ता उम्मीद है तवा मेहनत कदो ऐ असा जी मेहनत के रंग लाइंदो इंशाल्लाह तवा कामयाब थिंदो ता जी बड़ी मेहरबानी।